इसकी सर्विंग कितनी होनी चाहिए, आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ में सबसे पहले तो 2 टेबल स्पून जो हैं आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बच्चों किसी बच्चे को दे रहे हो तो उस टाइम पे प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप 1 टीस्पून उनको दो, तो वो बेहतर है। अब कुछ लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ये सब गोल को कॉन्स्टिपेशन के केस में कि उनको आसानी हो इससे, लेकिन होता ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे कुछ किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो तो आपको उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, आदत हो जाती है। अब उस चीज़ को आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हो कि अगर आप इसबगोल यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करें कि 4 से 5 दिन यूज़ करने के बाद आप तकरीबन 15 दिन का गैप दें और फिर दोबारा से आप उसको दोबारा से कंटिन्यू करें 1 हफ्ते तक। इस तरह से बीच में 10 से 15 दिन का आप गैप देंगे तो आपकी बॉडी को आदत नहीं होगी, जिससे कि आपको एडिक्शन नहीं होगी और आप ईज़िली आगे जाके भी यूज़ कर सकेंगे। अब डिफरेंट कंडीशंस में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको डायरिया है तो आपने दही के साथ यूज़ कर सकते हैं या पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने किसी गर्म चीज़ के साथ यूज़ करना है, जैसे कि गर्म दूध हो गया या फिर गर्म पानी का ग्लास हो गया, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, तो आप किसी भी जूस के साथ ले सकते हैं।